हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी साड़ियों के बारे में जो कि हर तरीके के बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट करती हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हों या फिर बहुत ज़्यादा स्लिम हों। स्पेशली हम इस वीडियो में थोड़ा हेल्दी लोगों के लिए बात करेंगे। जो थोड़ा से हेल्दी होते हैं ना, उनके ऊपर हर तरीके की साड़ियाँ सूट नहीं करती, वो और ज़्यादा बोल्ड और बल्की दिखते हैं। तो ऐसे में ये जो साड़ियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से फ्लैटर करेंगी, और अगर आप ये साड़ियाँ पहनते हैं तो थोड़ा से आप स्लिम दिखेंगे और ये आपके बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम जॉर्जेट साड़ी के बारे में। जॉर्जेट का जो फैब्रिक होता है ना, वो इतना अच्छा फैब्रिक होता है कि आपके बॉडी टाइप को ना बहुत अच्छे से सूट करता है। फिर आप चाहे हेल्दी हों चाहे बहुत ज़्यादा स्लिम हों, दोनों ही बॉडी टाइप पे ये वाला जो फैब्रिक है बहुत अच्छे से सूट करता है। तो ऐसे में अगर आप जॉर्जेट की साड़ियाँ पहनते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे से फ्लैटर करेगा, बहुत अच्छे से आपकी बॉडी टाइप को सूट करेगा। इसलिए आप अगर थोड़े से हेल्दी हैं तो आप जॉर्जेट की साड़ियाँ चूज़ कर सकते हैं। जॉर्जेट की साड़ियों का ना फॉल बहुत अच्छा आता है और ये इजी टू कैरी भी होती हैं। आप बहुत इजीली इन्हें रख सकते हैं, इनका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा इसमें प्लीट्स सिलवटें वगैरह कुछ भी नहीं होती हैं इनको, मतलब बस आप पहन लो और कभी भी कैसे भी आप रख देंगे ना दोबारा, ये रेडी टू वेयर रहती है, इन पर प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये साड़ियाँ ना बहुत अच्छी तो होती ही हैं, साथ में ये पहनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे कि मैंने ये साड़ी जो पहनी है, ये एक जॉर्जेट की साड़ी है और ये एक बांधनी प्रिंट में है। तो इस तरीके की साड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं और कभी भी आप इन्हें कैसे भी पहन सकते हैं, और ये हर तरीके की बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट करती हैं। तो अगर आप थोड़े से ना बल्की हैं तो इस तरीके की साड़ियाँ अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफॉन की साड़ियाँ। तो शिफॉन का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का फैब्रिक होता है, और अगर आप बहुत भारी भारी साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते हैं तो डेफ़िनेटली आप शिफॉन की साड़ियाँ पहन सकते हैं। शिफॉन की साड़ियाँ ना एकदम इजी टू वेयर भी होती हैं, प्लस ये आपके बॉडी का एकदम शेप ले लेती हैं। तो अगर आप थोड़े से बल्की हैं और आपको ये लगता है कि आप कोई भी साड़ी पहनते हैं और आप का जो बॉडी टाइप है वो अच्छा नहीं लगता, वो आपके बॉडी टाइप पर शूट नहीं कर रही हैं और आप और ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं, तो ऐसे में आप शिफॉन की साड़ियाँ चूज़ कर सकते हैं। ये एकदम आपकी बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से फ्लैटर करेंगी, बहुत अच्छे से आपके बॉडी पर शूट करेंगी, और स्पेशली ये क्योंकि बहुत हल्की फुल्की होती हैं तो जब भी आप वर्किंग टाइम पर रहते हैं ना, आपको साड़ी भी पहननी है प्लस आपको काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे में शिफॉन की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी होती हैं और प्लस ये आपके बॉडी पर बहुत अच्छे से सूट भी करेंगी। तो अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हैं और आप चाहते हैं कि आप किस तरीके की साड़ियाँ पे इन्वेस्ट करें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप शिफॉन की साड़ियों पर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती हैं, प्लस ये आपके बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट भी करेंगी। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉटन साड़ियाँ। तो ये साड़ियाँ भी आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं और आपको ये लगता है कि साड़ियाँ आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती पहनने में, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सॉफ्ट कॉटन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉटन की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, किसी भी बॉडी टाइप पर बहुत अच्छे से फ्लैटर करती हैं, चाहे आप हेल्दी हो या फिर बहुत ज़्यादा स्लिम हो, दोनों ही बॉडी टाइप पे बहुत अच्छी लगती हैं। स्पेशली अगर आप कोई वर्किंग वुमेन है और रोज़ आपको साड़ी ही पहननी है, तो ऐसे में इजी टू वेयर भी होती हैं, प्लस ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगती हैं। तो इस तरीके की आप सॉफ्ट कॉटन की साड़ियाँ अपने लिए चूज़ कीजिए, ये आपके बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट करेंगी। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट चॉइस है सॉफ्ट कॉटन साड़ी। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सिल्क साड़ीज़ की। यह सिल्क की साड़ियाँ भी आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिल्क की साड़ियाँ आप अवॉइड कीजिए अगर आप थोड़ा से हेल्दी हैं। जैसे कि खादी सिल्क को आप अवॉइड कर सकते हैं, ऑर्गेंजा सिल्क जो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी था उसको आप अवॉइड कीजिए अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, और अगर आप थोड़े से स्किनी हैं ना, तो ये सिल्क आप अपने लिए ज़रूर चूज़ कीजिए।
तो अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा से और ज़्यादा हेल्दी ना दिखें इन साड़ियों के साथ, तो आप खादी सिल्क और ऑर्गेंजा सिल्क, इस तरीके की साड़ियाँ जिनका फैब्रिक थोड़ा सा कड़क होता है ना, वो वाली साड़ियों को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिल्क की साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, तो कौन से वो सिल्क की साड़ियाँ हैं जो आप पहन सकते हैं? तो सॉफ्ट कॉटन सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं ना, वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। सॉफ़्ट कॉटन की साड़ियाँ ना काफ़ी एलिगेंट लुक देती हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगती हैं और काफ़ी क्लासी सा लुक आता है अगर आप इन्हें पहनते हैं। तो इनको आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट करेंगी और आपको काफ़ी अच्छा लुक भी देंगी। नेक्स्ट आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं लिनन सिल्क। तो सॉफ्ट लिनन सिल्क जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से फ्लैटर करेगा आपकी बॉडी टाइप को। अगर आप थोड़े से बल्की हैं तो लिनन सिल्क को आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की लिनन की जो साड़ियाँ हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो रही हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिंट में ये अवेलेबल हैं। तो इनको आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़े से बल्की हैं और आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा हेल्दी ना दिखें, तो लिनन की साड़ियाँ आप अपने ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी हो रही है इस तरीके की साड़ियाँ, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सिल्की साड़ियाँ हैं जो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको किसी ओकेशंस के लिए साड़ी पहननी है, किसी फंक्शन के लिए, शादी के लिए अगर आपको साड़ियाँ चूज़ करनी है, तो आप कांजीवरम सिल्क चूज़ कर सकते हैं। ये साड़ियाँ भी काफ़ी अच्छे से फ्लैटर करेंगी आपकी बॉडी टाइप को। आप चूज़ कर सकते हैं चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ, ये भी बहुत अच्छी भी लगती हैं, प्लस ये आपके बॉडी टाइप को भी बहुत अच्छे से सूट करेंगी। सो गाइस, ये कुछ साड़ियाँ थी जो कि हर तरीके के बॉडी टाइप को बहुत अच्छे से सूट करती हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हों या फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, दोनों ही टाइम पे आप ये वाली साड़ियाँ अपने लिए ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप स्किनी हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, तो शिफॉन की साड़ियों को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी साड़ियाँ आप पहन सकते हैं अगर आप थोड़े से दुबले हैं, और अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो ये जो साड़ियाँ मैंने आपको सजेस्ट की हैं, इनमें से कोई भी साड़ी अगर आप पहनते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो लुक है ना, बहुत ज़्यादा एलिगेंट और क्लासी लगने वाला है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी साड़ियाँ पहनना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आता है तो और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।